हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल लॉस स्टडी पर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर YouTube चैनल लॉस स्टडी। राजा नंद कुमार केस। भूमिका: राजा नंद कुमार का मामला भारतीय विधि के इतिहास का सर्वाधिक चर्चित मुकदमा माना जाता है। यही वह मामला है जिसने सुप्रीम कोर्ट के प्रति भारतीयों के मन में घृणा के बीज बोए। इस मामले में दिए गए निर्णय के कारण सुप्रीम कोर्ट के प्रति भारतीयों की आस्था समाप्त हो गई और मान सम्मान भी घट गया। भारतीयों द्वारा सुप्रीम कोर्ट को नापसंद करने का कारण भी यही मामला है। इस मामले को न्याय की हत्या, जुडिशियल मर्डर और मर्डर ऑफ जस्टिस की संज्ञा भी दी जाती है, क्योंकि इसमें न्याय की समस्त प्रक्रियाओं एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की अनदेखी की गई थी। इसमें सुप्रीम काउंसिल एवं सुप्रीम कोर्ट का विदेश का भाव भी निहित था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र जुरिडिक्शन प्रयोज्य विधि एप्लीकेबल विचारण की प्रक्रिया प्रोसीजर ऑफ ट्रायल एवं न्यायाधीशों के आचरण कॉन्डक्ट ऑफ जजेस आदि से जुड़े प्रश्न अंतर्भूत थे। तथ्य: इस मामले के तथ्य इस प्रकार थे। नंद कुमार बंगाल का एक प्रतिष्ठित एवं प्रभावशाली राजा था। 8 जून 1775 को उसके विरुद्ध कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट में जालसाजी फॉर्जरी का एक मुकदमा चलाया गया। उसके विरुद्ध आरोप था कि उसने 5 पूर्व अर्थात सन 1770 में बुलाकीदास नाम के एक व्यक्ति के साथ जवाहरात के मामले में जालसाजी धोखाधड़ी की थी। यह मुकदमा बुलाकीदास के मैनेजर मोहन प्रसाद नाम के व्यक्ति द्वारा चलाया गया था, जो कलकत्ता का एक व्यापारी था। जब यह मुकदमा दर्ज कराया गया था, उस समय वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल तथा सर एलिजा इम्पी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। इस मामले का विचार निरंतर 8 तक चला तथा इसमें 12 अंग्रेज जूरियों की सहायता ली गई। जूरी सभा ने नंद कुमार के विरुद्ध जालसाजी के आरोप को सही पाया और इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा नंद कुमार को दिनांक 24 जून 1775 को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई। इतना ही नहीं, 6 सप्ताह के भीतर ही मृत्युदंड दंडेश को क्रियान्वित करते हुए नंद कुमार को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। निर्णय: जैसा कि हम ऊपर देख चुके हैं, इस मामले में जूरी सभा ने राजा नंद कुमार के विरुद्ध जालसाजी के आरोप को सही पाया था और इसी आधार पर कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट द्वारा उसे मृत्युदंड डेथ सेंटेंस से दंडित किया गया था। मृत्यु दंडादेश का क्रियान्वयन भी 6 सप्ताह में कर दिया गया। विधि के सिद्धांत: इस मामले में विधि के मुख्यतया 2 सिद्धांत प्रतिपादित किए गए थे। 1. सन 1774 के चार्टर द्वारा कलकत्ता में स्थापित सुप्रीम कोर्ट सन 1770 कारित जालसाजी फियोगेरी के अपराध की सुनवाई कर सकता था, तथा 2. सन 1726 एवं 1753 के चार्टरों द्वारा समस्त आंगल विधियों को, जो उस समय तक इंग्लैंड में प्रचलित थी, बंगाल में लागू कर दिया गया था और उन विधियों के अंतर्गत जालसाजी के अपराध में मृत्युदंड दिया जा सकता। समालोचना: राजा नंद कुमार का यह मुकदमा सर्वत्र चर्चा एवं आलोचना का विषय रहा है। आलोचकों द्वारा इस निर्णय का पक्षपातपूर्ण, अन्यायपूर्ण एवं न्याय की हत्या जैसे शब्दों से संबोधित किया गया है। नंद कुमार के मामले के विचारण एवं निर्णय को निम्नांकित आधारों पर अवैध माना जाता है। 1. इस मामले की सुनवाई करने की सुप्रीम कोर्ट को अधिकारिता ही नहीं थी, क्योंकि सन 1770 में जब यह अपराध कारित हुआ था, उस समय नंद कुमार कलकत्ता का निवासी ही नहीं था और मामला भी एक भारतीय व्यक्ति मोहन प्रसाद द्वारा चलाया गया था। 2. नंद कुमार को जिस विधि के अंतर्गत दंडित किया गया था, उसमें जालसाजी के लिए मृत्युदंड का प्रावधान ही नहीं था। सन 1728 के अधिनियम के अंतर्गत जालसाजी के लिए मृत्युदंड की व्यवस्था थी, लेकिन यह अधिनियम न तो भारत में प्रयोज्य था और न ही वे परिस्थितियां विद्यमान थी जिनमें मृत्युदंड देने का प्रावधान उक्त अधिनियम में किया गया था। वस्तुतः सन 1728 के अधिनियम के उपबंधों को भारत पर लागू करना न्याय का दुरुपयोग अर्थात न्यायिक स्खलन मिसकैरेज ऑफ जस्टिस था। 3. इस मामले में प्रकरण की सुपुर्दगी कमिटमेंट एवं विचारण दोनों एक ही न्यायाधीशों द्वारा किया गया था, जो न्याय की सुस्थापित प्रक्रिया के प्रतिकूल था। 4. इस मामले में कार्योत्तर विधि एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज को लागू किया गया था, जो विधि पूर्ण नहीं था, अर्थात विचारण सन 1774 के चार्टर पर आधारित था, जबकि अपराध सन 1770 में कारित किया गया था।
5. इस मामले में नंद कुमार व साक्षियों से स्वयं न्यायाधीशों द्वारा बड़ी कठोरता से प्रतीक परीक्षा की गई थी, जो इस बात का प्रतीक थी कि वे इस संपूर्ण मामले का विचारण विद्वेष भाव से कर रहे थे। 6. विचारण में अनावश्यक विलंब अन्यूजल डिले किया गया, उसे लंबे समय तक खींचा गया, अर्थात वह लगातार 8 दिनों तक चलता रहा। इससे भी विचारण संदेहास्पद हो गया। 7. मृत्यु दंडादेश का क्रियान्वयन भी आनन फानन में कर दिया गया, अर्थात 6 सप्ताह के भीतर ही कर दिया गया। नंद कुमार सुप्रीम कोर्ट में निर्णय के विरुद्ध प्रिवी काउंसिल में अपील करना चाहता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा उसे अपील करने की इजाजत नहीं गई, यह कहते हुए कि अपील के लिए पर्याप्त आधार नहीं बताए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट की दुराशिता का यह प्रत्यक्ष प्रमाण है। 8. नंद कुमार मृत्युदंड को कम या माफ करने के लिए ब्रिटिश सम्राट के समक्ष दया याचना मर्सी पटिशन प्रस्तुत करना चाहता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसकी भी अनुमति नहीं दी गई। इस प्रकार स्पष्ट है, सुप्रीम कोर्ट का इस मामले में विचारण एवं निर्णय दोनों ही विद्वेष भाव से प्रेरित था। इसे न्याय की हत्या कहना गलत नहीं है। वारेन हेस्टिंग्स के कोप का शिकार। इस मामले में राजा नंद कुमार वस्तुतः गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के कोप का शिकार हुआ था। पृष्ठभूमि इस प्रकार है कि वारेन की काउंसिल के 3 सदस्य वारेन हेस्टिंग्स से नाराज रहते थे, जिससे वारेन हेस्टिंग्स अपनी इच्छानुसार निर्णय नहीं ले पाता था। उन 3 सदस्यों ने इस स्थिति का फायदा उठाया और राजा नंद कुमार से वारेन हेस्टिंग्स के विरुद्ध इस आशय की शिकायत दर्ज कराई कि वारेन हेस्टिंग्स द्वारा उससे 1,04,000 रुपए तथा मीर जाफर को विधवा मुन्नी बेगम को अव्यस्त नवाब का संरक्षक नियुक्त करने के लिए 2,50,000 रुपए की रिश्वत ली थी। जब यह शिकायत काउंसिल में पहुंची तो 3 सदस्यों ने उसकी जाँच कराना उचित समझा, जिससे वारेन हेस्टिंग्स नाराज हो गया। उधर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे वारेन हेस्टिंग्स के मित्र एवं सहपाठी थे। वारेन हेस्टिंग्स ने उनसे सहायता की मांग की और उन्होंने वारेन हेस्टिंग्स की भरपूर सहायता की। इस प्रकार राजा नंद कुमार वारेन हेस्टिंग्स के कोप का शिकार बना। राजा नंद कुमार तो फांसी के फंदे पर चढ़कर सदा सदा के लिए इस संसार से चला गया, लेकिन न्यायिक जगत में अनेक अनुत्तरित प्रश्न छोड़ गया। हमारी इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। लॉ स्टडी।